इससे पहले भाई अपना नाम था अंसारी लाइफ स्टॉक, बराबर। तो ये चेंज क्यों किया गया? पहले भाई अपन बकरे की लाइन में थे आप पूरी तरीके से, पलाई, ट्रेडिंग, एवरीथिंग सब चालू था आपका, तो अचानक से ये लाइन में आने का डिसीजन क्यों लिया आपने? है जैसे मेरा, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, बराबर। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, पलाई करो, तो आप वो करो, तो दूसरे की लाइन में आने का मतलब ये क्यों? कि हरी पत्ती फॉर एग्जांपल आपके पास क्या रेट है, एक अंदाज़ा? हरी पत्ती मेरे पास 48-50 है। 48 और 50 है, तो और भी जगह है जैसे 55 है, 52 है, 75 भी है मेरे नज़र में जा तक के। तो उन लोग ये रेट में बेच रहे हैं और आप 48-50 बोल रहे हो, तो उन लोग को ये सब चीज़ से अफेक्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा क्यों भाई आपने रेट रखे हो? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू गोट्स अप, दिस इज़ यावर। एंड आज हम जो शूट करना है, मेरे को मेरे हिसाब से तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लिमरा फीड्स एंड लाइफ स्टॉक पे। तो चलते अंदर, बात करते ओवेश भाई से। अस्सलाम वालेकुम ओवेश भाई, खैरियत है भाई? तो भाई ये फर्स्ट वीडियो अपना एवर है ना, तो क्या देखेंगे भाई ये वीडियो में, पहले तो आप ये बताओ। क्योंकि यहाँ तो बर्ड्स दिख रही है, बकरे दिख रहे हैं, फीड दिख रही है, ये कुछ नई चीज़ ये भी दिख रही है, क्या है ये, फीड की दुकान है कि क्या है भाई? फीड्स एंड लाइफ स्टॉक, मतलब लिमरा फीड्स एंड लाइफ स्टॉक दोनों चीज़ है ही, लाइफ स्टॉक भी है, फीड्स भी है। तो इससे पहले भाई अपना नाम था अंसारी लाइफ स्टॉक, बराबर। तो ये चेंज क्यों किया गया भाई? बस बरकती नाम है, अंसारी की निस्बत मेरी तरफ थी। हाँ हाँ, अच्छा। लिमरा जो है इसका फुल फॉर्म है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदल गई तो उसकी बरकत अलग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महसूस किया है। अच्छा, और दूसरों ने भी महसूस किया। तो पहले भाई अपन बकरे की लाइन में थे आप पूरी तरीके से, जी भाई, पलाई, ट्रेडिंग, एवरीथिंग सब चालू था आपका, तो अचानक से ये लाइन में आने का डिसीजन क्यों लिया आपने भाई? बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रहा था ये चीज़ के बारे में। हाँ हाँ, लेकिन करती नहीं बैठ पा रही थी, जॉब थी, ये थी, वो थी। नहीं, मतलब और भी लोग हैं ये लाइन में, फीड्स की लाइन में बहुत पहले से है, तो अचानक से आप आए, तो उन लोग की भी मतलब बिजनेस में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा होगा। तो ऐसा डिसीजन, जब बहुत लोग बोलते हैं कि जिसका जो है, जैसे मेरा, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, बराबर। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, पढ़ाई करो, तो आप वो करो, तो दूसरे की लाइन में आने का मतलब ये क्यों? असल में एक ज़माने से मैं पहले सोच रहा था ये चीज़। हाँ हाँ, मेरी खुद की मेंटेलिटी थी बकरा या उससे रिलेटेड कुछ, बकरे बाजी के अंदर ही रहता था। अच्छा, इससे रिलेटेड चीज़ें में आप इंटर, हाँ, आपको था पहले से? हाँ, बराबर। जब पहले भी मैं जब पलाई का काम कर रहा था उसके साथ, हाँ, साथ कपड़े की शॉप चलती थी। अच्छा, और उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, उसके साथ साथ में बकरे बाजी चलाते रहा है। जब मैंने दूसरी चीज़ें बंद किया, वो चीज़ें ख़त्म हुई है। हाँ, उसके बाद में टोटली ये फील्ड में उतर पाया ना। अच्छा अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं भाई, ये तो खाली थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, चलेगा ना भाई? ऐसा कोई इश्यू तो नहीं ना ये सब नेगेटिव क्वेश्चंस पे? स्क्रिप्टेड चीज़ें अपने को पसंद ही नहीं आती, बराबर। तो भाई स्टार्ट करते हैं फीड से अपन। जी, तो अपने पास कितने टाइप के भाई फीड्स है? भाई मैं खुद गिना गिना ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में तो सभी दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो मतलब मेरे हिसाब से मेरी देखिए, हाँ हाँ, जो इससे छोटे स्केल पे कोई बंदा कर रहा है, हाँ हाँ, उसके पास इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम, क्वांटिटी विद क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मुश्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर। तो जो रेट है अपना एज़ कम्पेयर टू मार्केट जो चल रहा है, उस हिसाब में सस्ता है या वही लेवल पे है या हायर है? अनबीटेबल है भाई। अच्छा, अनबीटेबल है। ऐसा क्यों भाई? मतलब और भी लोग हैं मेरे हिसाब से, ये लाइन में भी बोलूँगा, ये एरिया में भी बोलूँगा, बट आप एक ऐसा रहता है ना भाई कि अगर साथ में अगर धंधा कर रहे तो रेट मेंटेन रखना पड़ता है। नहीं भाई, रेट मेंटेन रखना पड़ता है, वो चीज़ अलग होती है। हाँ, यहाँ पर अभी जो मसला है ना, हाँ, क्योंकि कोई 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 जगह पे माल आ रहा है राजस्थान से, कोई जगह पे माल आ रहा है हरियाणा से। हाँ हाँ, अब दोनों का रेट सेम नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपको ये रेट पड़वाड़ता है, तो आप जो रेट से पड़वाड़ता है वो आप देते हो? ना, मेन मसला ये है ना भाई, एकदम कम मार्जिन पे करते हैं आप? एकदम कम से कम मार्जिन पे कोशिश करते हैं। मार्जिन तो मैं उतना ज्यादा मायने नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो मेरे कस्टमर्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अच्छा, तो भाई और भी लोग हैं जैसे कि हरी पत्ती फॉर एग्जांपल आपके पास क्या रेट है, एक अंदाज़ा? हरी पत्ती मेरे पास 48-50 है। 48 और 50 है,
तो और भी जगह है जैसे 55 है, 52 है, 75 भी है मेरे नज़र में जा तक के, तो उन लोग ये रेट में बेच रहे हैं और आप 48-50 बोल रहे हो, तो उन लोग को ये सब चीज़ से अफेक्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा क्यों भाई आपने रेट रखे हो? किसी को अफेक्ट पड़े या नहीं पड़े, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, मेरा मेन मोटिव है भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हाँ, क्योंकि बकरे पालना मामूली बात नहीं है। सही बात है, आज के टाइम पे तो एक बकरा मैंने भी पाला हूँ घर में। हाँ, 2-3 साल भी पाला हूँ और ज्यादा भी पाला हूँ, तो क्या फीलिंग रहती है, कैसा खर्चा निकालने का रहता है। हाँ, क्योंकि अक्सर जो भी बकरेबाजी कर रहे ना भाई, उसमें से 80% वाले ना जॉब वाले हैं। हाँ, बराबर। अब जॉब वालों को उन लोग ने जब बकरा खरीदे थे, जब मेरी बत्ती चल रही थी 25, अब जैसे जैसा महीना गुजरते गया, एक तो हाथ भी टाइट हो रहा है सबका, बराबर महंगी हो रही है। सही बात है। फिर बकरे की हरी पत्ती भी अब सीधा 55-60 चले जाएगी, तो उन लोग को सैलरी में मैनेज करना भाई बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो आप मेन जो भी है सब कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन है, मतलब आपको, मतलब आपका रिव्यू मैं सुना हूँ माशाल्लाह अच्छा ही आया है जहाँ तक के मैंने सुना हूँ। सो भाई, और भाई सबसे अच्छा जी पब्लिक को जो बेस्ट ऑप्शन अपने यहाँ मिलता है। हाँ, कि भाई आपका जानवर अगर वो चीज़ नहीं खा रहा है, बराबर, बाय चांस मेरे यहाँ से कुछ खराब आ गई है, हफ्ते भर बाद भी मेरे यहाँ से अगर चीज़ खराब गई है, जानवर नहीं खा रहा है, तो मैं वापस ले लेता हूँ। अच्छा, तो रिप्लेस कर लोगे या? रिप्लेस भी करता हूँ और रिफंड भी करता हूँ 100%। अच्छा, रिफंड भी करता। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले तो भाई हरी पत्ती, सोने का भाव जो चल रहा है। नहीं भाई, अपने यहाँ चांदी है फिलहाल। अच्छा, अपने यहाँ चांदी है। हरी पत्ती दो टाइप है। दो टाइप की है, ये देखो। ये सादी हरी पत्ती है, बराबर, और एज कम्पेयर टू मार्केट। हाँ, मार्केट की बात ही कर रहे हो। इतना हरा माल नागौर वाला किसी के पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। सही बात है। अगर है भी तो उसमें मट्टी है। अच्छा, मट्टी नहीं होगी। तो ये सेमी फिल्टर, सिंगल फिल्टर, डबल फिल्टर क्या है ये भाई? ये फिल्टर है। फिल्टर है। अगर डबल फिल्टर होता तो इसमें कांडिया नहीं आती। अच्छा, कांडिया आ रही है ना? हाँ हाँ, ये नहीं आती। अच्छा, ये हो गया 48-50। क्या रेट है अपने पास हरी पत्ती? 48 रुपीज़ 50 पैसे। अच्छा, 48.50 है, ऐसा बोल रहे थे आप। और ये जो हरी पत्ती है ना भाई, हाँ हाँ, इसमें आपको अनाज दिखेंगे और हरी पत्ती पूरी हरी है, बराबर। अनाज में ज्वारी है, गेहूं है, बाजरा है, मकई है। अच्छा, चार आइटम इसमें मिक्स है। ये लूज लेते हैं ना भाई आप, हाँ हाँ, तो 50 रुपीज़ पर केजी पड़ता है। और जो 25 किलो का बैग है वो लेंगे तो वो 48 से पड़ेगा। 48 से जी। तो ऐसा क्यों भाई, हरी पत्ती इसमें भी है उसमें भी है, तो ये सस्ता क्यों? मतलब नहीं, मेरे को सस्ते में आएगा तो मैं सस्ते में दूंगा, जैसे आपको आएगा आप दे दो, आज देख के थोड़ी ना महंगा कर दूंगा उसको। चलो सही है, बहुत अच्छी बात है। और हरी पत्ती भाई कोई क्वांटिटी में लेता है तो कम हो जाएगा ना? 48.50 आपने बोले हरी पत्ती, ऐसा ऑड फिगर क्यों है भाई? 48.50 48.48 भी कर सकता था। हाँ हाँ, लेकिन मैं जितना कम कर सकता उतना कम करने की। माशा, बहुत अच्छी चीज़ है भाई ये भी। मैं ऑड इवन देखने जाऊँगा तो पब्लिक के लिए महंगा हो जाएगा, बस मेरी जेब में 1 रुपया ज़्यादा बचेगा। तो ये हरी पत्ती के दो टाइप हो गए, हरी पत्ती हो गई। इसके बाद जो भूसे वाले जो मटेरियल आता है ना भाई, हाँ हाँ, तो तुअर भूसा है, तुअर भूसा निकाल नहीं पाया। हाँ, ये अब भी आया है, जस्ट उन्हें देखे पैक है वो। नहीं, ये है मसूर का भूसा भाई। मसूर का भूसा आप देखोगे एकदम फाइन क्वालिटी है भाई। इसमें देखो ये सब जो पत्थर है ना भाई, हाँ हाँ, थोड़े बहुत पत्थर आए। अच्छा, तो ये तो जानवर तो छोड़ ही देते ना उन लोगों को, तो जो खाना है लोग वही खा लेंगे। और असल में मशीन उठाती है ना भाई, अच्छा, तो खेत के नीचे की जो मट्टी रहती है ना, बराबर, वो डेले बन के आ जाते हैं। तो मैं पत्थर भी अलग नहीं करता हूँ भाई साथ में, इसलिए कटोरी बता के भी दे रहा हूँ ऐसा कुछ वो है नहीं। और दूसरी चीज, ये फाइनेस्ट क्वालिटी गवार, गवार फली। इसका भाई यूजेज क्या है, मतलब बकरों में क्या इफेक्ट दिखता है इसमें? बारिश में बहुत अच्छा काम है, बारिश और ठंडी में बकरे ना जो पानी कम पीते हैं ना, हाँ हाँ, ये खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है। अच्छा, तो इससे पानी ज्यादा उठाते हैं? पानी ज्यादा उठाते हैं, बराबर, दूर हो जाते हैं। अच्छा, और सबसे बेस्ट चीज ये दोनों में ना भाई, इसके प्राइस है। प्राइस मसूर का जो भाव है ना भाई, 24 रुपया है इसका, ये वाला जी भाई, ये 24 है। 24 है। ऑल राइट, और ये 25 है। 25 है जी। है भाई, रेट्स तो माशाल्लाह आपके,
रीजनेबल से भी रीजनेबल है भाई, अनबीटेबल प्राइस दूंगा तो दूंगा। और फिर दूसरी अपने पास ऑप्शन है छिलके, अच्छा चना छिलके। अगर किसी को भूसे में इंटरेस्ट नहीं है, हरी पत्ती में इंटरेस्ट नहीं है, कॉस्टिंग महंगी है, हाँ हाँ, और कोई डाइट भी थोड़ी अच्छी देना है, तो ये चने का छिलका है और ये वटाने का छिलका है। तो जानवर को खाली इस पे अपन रख सकते हैं? नहीं नहीं रख सकते, अनाज कंपलसरी बना। ये बकरों को भी अब आदत हो गई है अनाज। ये बहुत अच्छी चीज़ है फाइबर के लिए। फाइबर है इसमें, दोनों में फाइबर के लिए यह है बकरों के। इसमें तो कंफर्म, इसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन अच्छा। अच्छे से खाते हैं। और प्राइस क्या रहेगा भाई इसका? प्राइस इसका 35 है, 35 इसका 28 है। 28 चना छिलका, 28 और ये 35। इसका नाम क्या बोला आपने? मसूर, वटाना छिलका। अच्छा वटाना छिलका, ओके। ये हो गई दो चीज़ बराबर। तीसरा फिर जो अपनी मिक्स फीड है भाई, हाँ ये मिक्स फीड के अंदर अपनी 27 आइटम्स इंक्लूडेड है पूरे। 27 हाँ, इसमें वाइट सीड्स भी है, ब्लैक सीड्स भी है, और सबसे बेस्ट कहीं देखने नहीं मिलेगी आपको ये कॉटन सीड्स। कॉटन सीड्स है, हाँ भाई। प्रोटीन लेवल में सबसे हाई है भाई ये। अच्छा, हाईएस्ट प्रोटीन लेवल इसमें रहता है। और बहुत अच्छी फीड है। हाँ। इसका बैग 1250 रुपये का है, लूज 50। 1250 में कितना किलो है इसमें? 25 किलो। अच्छा 25 kg फॉर 1200 बराबर। अच्छा 1250 1250 का। सेम चीज अगर इसमें थोड़े बहुत है ना भाई, पाउडर कंटेंट्स भी रहते हैं। हाँ। अगर वो पाउडर छोड़ दे रहा है तो उसके बदले आप ये पैलेट यूज कर सकते हो। अच्छा, तो कस्टमर आ गए थे ओज भाई, फिर कंटिन्यू करते अपन भाई। इसका प्राइस क्या रहेगा मिक्स फीड का? 55 रुपये किलो रहेगा। 55 लूज। अच्छा लूज में। और अगर पूरी घोनी लेते हैं 25 किलो की तो 1250। 1250 की 25 किलो। और इसका? इसका भी सेम है भाई। अच्छा, इसकी भी घोनी आएगी 25 किलो की? हाँ, घोनी भी है, लूज चाहिए तो लूज भी। ये भाई फर्स्ट टाइम देखा है, कुछ नई चीज़ है भाई। असल में ना आउट ऑफ इंडिया ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अच्छा, जो कंट्रीज फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ना, तो वहाँ पर लोग कोई भी चीज़ डायरेक्ट फॉर्म में नहीं देते। यहाँ तक कि लोग की जो घे रहती है ना, आज जो रहती है ना, हाँ, उसको भी लोग यही फॉर्म में करके देते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो भी उसके अंदर के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ए टू जेड जानवर के मदर को लगते हैं। हाँ हाँ। प्लस जो ब्लड बोलते हैं ना अपने यहाँ, जिसको गाँव वाले हाथरा बोलते हैं, हाँ, या पेट फूकना बोलते हैं, वो इससे इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, ये दो हो गई, बाकी के अपन नेक्स्ट और ले लेते हैं। स्पीड हो गई है। उसके बाद आ जाते हैं अनाज पे। मकई टुकड़ा बराबर, मकई अखा, चना, और साथ में गोला जीरा भी ऐड करूँगा। मेरे पास अभी फिलहाल दो चीज़ नहीं है, वो कल तक के आ जाएगी स्टॉक में। चुन्नी, एक तो गेहूँ और दूसरा है जौ। जौ, जौ का मेरा प्राइस जो रहता है ना भाई, हाँ हाँ, रिटेल रेट है वो। रिटेल रेट है बराबर, कुछ अगर गोनी वगैरह लेते हैं तो 38 तक के हो जाता है। अच्छा, और वैसे अगर प्राइस की बात करें गोड़ा जीरा की, हाँ हाँ, क्वालिटी वाइज बेहतरीन है भाई। लंबे दाने अच्छे, ये 40 रुपीज़ पर केजी है। 40 रुपीज़। हाँ। और इसका भाई क्या यूज़ रहता है बकरों पे, क्या इफेक्ट पड़ता है इससे? बकरा जब जिंदा रहेगा तो आपको उसका अच्छा इफेक्ट तो नहीं दिखेगा। हाँ। लेकिन जब देसी काटोगे ना वैसे इफेक्ट दिखेगा। ज़्यादातर आपने सोजर या पतीरा वगैरह देखे होंगे। हाँ। जब बकरे को खुला लगता है तो उसको खून की जो धार निकलती है ना, हाँ हाँ, घोड़ा जीरा का कमाल है। ये आयरन बहुत ज़्यादा पैदा करता है, हीमोग्लोबिन अच्छा डेवलप होता है। अच्छा, ज़्यादा बॉडी में सर्कुलेट करता है तो बॉडी भी एकदम एक्टिव और शाइनिंग। अच्छा, शाइनिंग के लिए ऊपर, वही तो बोले लोग बोलेंगे मेरे को अंदर का फायदा बता रहे कटने के बाद का। शाइनिंग तो खाली बाहर ऊपर की चीज़ है, अंदर से कैसा काम करता है वो बात है। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। उसके बाद चना हो गया। चना अपने यहाँ 45 रुपीज़। 45 है। कुछ क्वालिटी में फ़र्क है क्या भाई? या आजकल का रेट भाई मेरे हिसाब से 60-65 के आसपास चल रहा। 45 जो है आपके सामने है, आप देख के बैठे जाओ। ऐसा तो इतना तो कोई ऐसा कुछ ख़राब तो नहीं दिख रहा भाई मुझे, जैसा है नॉर्मली दिख रहा है। मेरे यहाँ नॉर्मल ये भाव रहता है। 45 है अभी, वीडियो के अलावा भी यही भाव रहता है। 45 जी भाई। और ये एक ऑफर खाली आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो आ रही है। हाँ हाँ। मैंने चने की गोनी उठाया, गोनी में जितना रहे हुए, हाँ, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो बराबर। अगर बंदा कोई पूरा लेगा तो उसको खाली यही वीडियो के लिए 40 रुपये के भाव से दे दूँगा। चना भी 40 रुपये से?
माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। अच्छा आपकी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ आपके चैनल पे, इसलिए आपके लिए ऑफर। जज़ाकअल्लाह भाई, 40 रुपीज़ से दे देंगे आप। 40 रुपीज़ से दे दूंगा, पूरी गोनी लेगा तो भाई। अच्छा पूरी गोनी का रेट 40। गोनी में 5 किलो बचा हो या 50 किलो बचा हो। अच्छा वो नॉर्मली, वरना मेरी गोली गोनी भाई 20 किलो के अंदर की रहती है। अच्छा तो ये तो ऐसा रेट देगा कोई लेके भी रीसेल भी कर लेगा। नहीं मैं आपको रेट एक बता रहा हूँ कि जो रेट है बहुत ही रीजनेबल है चने का। तो फिर मकई, यखा मकई बोलेंगे ना, यखा मकई है, ये टुकड़ा मकई है, टुकड़ा मकई है जी भाई। यखा मकई का जो अपने आप भाव है, हाँ हाँ, 32 रुपीज़ है। 32 और टुकड़ा मकई का 35। 35 है, दोनों सेम ही चीज़, खाली टुकड़ा है और यखा है। लेकिन यखे में ज़्यादा फायदे, अखे में ज़्यादा फायदा है। लोग ऐसे समझते हैं कि भाई टुकड़ा डाइजेस्ट करने आसान होता है, हाँ, लेकिन अखा जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अच्छा ऐसा है, तो अगर कोई छोटा जानवर है उसके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा टुकड़ा। हाँ भाई बेटर, ये छोटे जानवर बड़ा मेरे हिसाब से तो शायद नहीं उठा पाएंगे, अटकेगा। इसका क्या रेट बताया आपने? 32 और ये 35। ये सब हो गया अभी अपना फीड्स में, सब हो गया भाई। और मेन मेरा जो मेन चीज़ चलती है ना भाई, हाँ हाँ, चुन्नी भले लोग उसको लोकल मिल्क ही कहे या कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। जो खिलाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग खिलाते हैं। और चुन्नी यहाँ पर मैं शो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि भाई जो मेरे रेगुलर कस्टमर है मैं लुकी डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा मतलब अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। फिलहाल सुबह की जो गाड़ी आने वाली है उसमें आए, और पहले से और लोग गेहूँ का भूसा। ये मतलब भाई अच्छी खासी वैरायटीज अपने पास और फीड शॉप पे मेरे हिसाब से देखने नहीं मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सही बात, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको स्टार्ट में यही बोला ना भाई, कि भाई क्वालिटी विद क्वांटिटी, हाँ भाई कोई नहीं दे पाएगा इसका। अच्छा तो इसका क्या रेट है भाई? ये अपने आप भाई 28 रुपीज़ होलसेल है, हाँ हाँ, और रिटेल में 30। और इसका यूज़ क्या रहेगा भाई? यूज़ भाई ये चुन्नी में मिला के देते हैं, चुन्नी और खल में मिला के देते हैं। अच्छा कि ये खाने में मिठास पैदा करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, इतना हो गया। और बाकी दूसरी चीज़? बाकी दूसरी चीज़ तो भाई सबसे महंगा आइटम मेरी ज़िंदगी का, ज़िंदगी का क्या है ये? अल्फा अल्फा ग्रास बोलते हैं, अल्फा ग्रास इम्पोर्टेड आइटम है। हाँ हाँ 80 रुपया किलो है। 80 रुपीज़ तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई। अच्छा बकरी को डाल दो दूध तो एकदम बोले ना पड़ा की भाषा में रावस दूध देते। अच्छा 80 रुपये पर केजी? पर केजी। तो ये बकरियों के लिए खास है क्या? नहीं भाई, बकरे भी खाते हैं ना? जो बकरे मतलब पढ़ नहीं रहे, सूखे हुए, हाँ हाँ, प्रोटीन लेवल मतलब मसल्स गेन नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि भर भर के खिलाना है, ये अगर 1 किलो आप लेते भी हो ना, हाँ हाँ, एक बकरा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम खा पाए। अच्छा क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत यूज रहती है, एकदम लाइट ग्रास है, एकदम हल्की है, बराबर इसको सुखा के प्रोसेस किया है तो एकदम एयर हो गई। 80 रुपीज़ पर केजी। 80 रुपीज़। एक चीज़ और भाई, ये लास्ट बची शायद मेरे हिसाब से, ये तो खल है भाई। अच्छा ये तो पब्लिक डिमांड है भाई, अपने एरिया में नज़दीक में कहीं नहीं मिलता है। अच्छा कपास की खल, पेंट भी बोलते हैं इसको, अपने यहाँ पर 42 रुपीज़ का भाव है। तबेले पर कोई जाके लेता है तो उसको 45 रुपीज़ से मिलता है। 45 अपने यहाँ 42 है जी भाई, तो अपने पास से तबेले वाले भी ले जा सकते हैं। फॉर द पीपल, और नहीं भाई बड़ी बात क्यों करने का, तबेले वालों को अपन स्टॉक नहीं दे पाएंगे। सही बात है ये भी। तो ये पूरी फीड्स हो गई जी भाई। नेक्स्ट फीड में आपके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन और अपने पास जो सप्लीमेंट्स है वो सब इंशाल्लाह भाई। वीडियो को यहीं पर एंड कर दे भाई। जज़ाकअल्लाह भाई, शुक्रिया।